नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और यहां पर सभी टीमें लगभग अपना प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करती नजर आ रही हैं। इस बीच सीएसके की टीम ने एक बार फिर एक बड़ा प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया। दरअसल धोनी के बल्ले का कोहराम ऐसा मचा कि पूरे स्टेडियम में जो खिलाड़ी वहां मौजूद थे, जो सपोर्ट स्टाफ मौजूद थे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये खिलाड़ी 13 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहा है। दरअसल बीते साल विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी आखिरी बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे और उसके बाद से उन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं खेला, ना ही भारतीय टीम के लिए और ना ही आईपीएल टीम के लिए और ना ही कोई डोमेस्टिक मैच। हालांकि लॉकडाउन से पहले धोनी प्रैक्टिस में जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब थैंकफुली आईपीएल 19 तारीख से हो रहा है। इस बीच धोनी ने बीती 15 अगस्त को संन्यास का ऐलान कर दिया। लोगों को लगा कि क्या धोनी अब उस तरीके से खेल पाएंगे, लेकिन फैंस का इंतजार 48 घंटे के अंदर खत्म हो रहा है। इस बीच प्रैक्टिस मैच में धोनी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रनों की नाबाद पारी खेली। उस पारी में उन्होंने 9 छक्के जड़े और महज 3 चौके जड़े। बड़ी बात यह है कि धोनी की इस पारी में 66 रन उनकी बाउंड्री से आए और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, वो लंबी लंबी हिट जड़ रहे हैं, उनका अपरकट हमें देखने को मिला, उसके बाद हेलीकॉप्टर शॉट भी निकला है। तो एमएस धोनी को हमने बीते कई सालों में हेलीकॉप्टर शॉट खेलते नहीं देखा, लेकिन आईपीएल में व्हेन इट कम्स टू आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी बहुत अलग रूप में नजर आते हैं और जिस लय में एमएस धोनी नजर आ रहे हैं, इस बार लगता है कि एमएस धोनी सीएसके की नई पार लगाकर ही मानेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।